So to start with introductions, fitting frame fitting faults, why it is important to know about these faults? So why it is important to know anyone? What do you think? Hello? यस तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है? यस नहीं? व्हाई इट इज क्वेश्चन दोबारा इंपॉर्टेंट टू बता नो अबाउट दीजिए। फिटिंग फॉल्स? व्हाट कुड बी इट्स इंपॉर्टेंस? Well, to know about faults is important because if the lens is manufactured in a way that there is a fault in the manufacturing, it will cause disruption in vision. We cannot get a clear vision Okay. with that lens. Anything else? और किसी का? नो? बोलो भाई कोई और. सो वन मोर थिंग, लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर दैट वी शुड टीच यू वेरी एक्टिवली और आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस पीपीटी जस्ट टू कंप्लीट. ऐसे अन इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ हमें भी अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में. सो दोज हो ओके, लेट्स सी. सो जब हम फॉल्ट्स की बात सर करते हैं तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो बेसिकली द लेंसेज फ्रेम्स इज मेड ऑफ टू थिंग्स, और आई स्पेक्टिकल इज मेड ऑफ टू थिंग्स. वन इज अ फ्रेम दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम फ्रंट एंड टेम्पल एंड ब्रिज. फ्रेम फ्रंट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम का जो आई वायर होता है, देन ब्रिज होते हैं, देन नोज पैड्स होता है, एज वेल एज फ्रेम टेम्पल. और जब हम स्पेक्टिकल की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम फ्रंट टेम्पल्स एज वेल एज लेंसेज. तो लेंसेज के फॉल्ट्स अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेंसेज का क्लैरिटी नहीं है, लेंसेज में कुछ बबल्स हैं या प्रिस्क्रिप्शन गलत है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू द डिसकम्फर्ट टू द पेशेंट. इसी तरीके से जब फ्रेम का जो डिस्पेंसिंग है, जिसमें बेसिकली फ्रेम का फ्रंट है, नोज ब्रिज है, टेम्पल है, उसकी भी फिटिंग अगर अच्छे से नहीं है तो, या उसमें कोई फॉल्ट है, तो पेशेंट विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स. सो यहाँ वही लिखा हुआ है, द रोल ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल एंड हाउ वेल दे आर फिट टू द इंडिविजुअल इज क्रूशियल टू सेटिस्फेक्शन एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट द न्यू प्रिस्क्रिप्शन. सो नॉट ओनली, सो किसी भी पेशेंट को अपना ग्लासेस एक्सेप्ट, स्पेक्टिकल एक्सेप्ट करने में सिर्फ उसका लेंसेज का रोल नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्पेक्टिकल शुड फिट वेरी सेटिस्फैक्ट्री ऑन द पेशेंट फेस. सो मेनी वेयरर्स सीम्स मोर लाइकली टू टॉलरेट स्पेक्टिकल इन विच द प्रिस्क्रिप्शन आर स्लाइटली ऑरी इफ द फ्रेम्स फिट कंफर्टेबली. सो बहुत सारे वेयरर्स हैं, दोज हु कैन एक्सेप्ट देयर स्पेक्टिकल इवन इफ देर इज अ स्लाइट, इफ द स्पेक्टिकल इज कंफर्टेबल टू वेयर, इवन अगर लेंसेज का प्रिस्क्रिप्शन में देर इज ए लिटिल बिट एरर, इवन अगर स्पेक्टिकल ओवरऑल कंफर्टेबल है, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वेयरर्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट अगर स्पेक्टिकल कंफर्टेबल नहीं है तो इट इज वेरी अनलाइकली दैट पेशेंट वुड बी टॉलरेटिंग देयर स्पेक्टिकल. सो वेयरर इज नॉट लाइकली टू टॉलरेट स्पेक्टिकल इफ द फ्रेम फिट्स पुअरली इवन इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज करेक्ट. सो द कंफर्ट एंड सुटेबिलिटी टू द फिटिंग सीम्स टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया फॉर सेटिस्फेक्शन.
So, जब हम overall spectacle के साथ किसी patient की satisfaction या किसी wearer की satisfaction की बात करें तो it is not only the lens prescription, it also the overall comfort and suitability, how that frame is suitable according to the prescription or according to the patient facial features. तो इन सब का बहुत ज्यादा रोल है overall comfort of spectacle. So, जब मैं यहाँ spectacle बोलता हूँ तो spectacle consists of both these two things. One is your lens and then other parts of the frame. So coming to the first frame fitting faults is the bridge. So bridge से related जो faults हैं उसे हम बात करते हैं. So bridge is this area of the frame front. So since a number of things may be in error in relation to the bridge itself is judged mainly by the effect it has on the plane of the lenses. So self-explanatory है. Bridge actually क्या करता है, दोनों lenses को hold करता है, एक तरीके से connect करता है right frame के left frame के parts. और इसमें अगर कुछ एरर है इसके फिटिंग में तो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग विद द स्पेक्टिकल. सो देर इज अ टू बिग मेजर फॉल्ट दैट वी सीन इन द ब्रिज. वन इज द आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड अदर इज द आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. सो व्हाट आर दिस आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट्स. सो द ब्रिज कैन बी आउट ऑफ अलाइनमेंट बिकॉज वन लेंस इज पुश्ड अप और वन लेंस इज पुश्ड बैक इन रिलेशन टू द अदर. So, दो तरीके का मिस अलाइनमेंट मेनली देखा जाता है ब्रिज में. एक को हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं, आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. दैट कुड बी हैपन बिकॉज ऑफ द फ्रेम के अंदर हम जो लेंस फिट कर रहे हैं दैट कुड बी पुश्ड फॉरवर्ड, मतलब वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, वो अपनी प्रॉपर जगह से ऊपर की तरफ फिट हुआ या थोड़ा आगे की तरफ. तो इवन लेंस अगर फ्रेम में बहुत अच्छे से फिट नहीं होते तो दे कैन काउज मिस अलाइनमेंट इन द ब्रिज. So out of horizontal alignment क्या होता है, if the one lens is higher than the other they are said to be out of horizontal alignment. So bridge में अगर lens में frame इस तरीके से fit किया गया है कि one lens is higher than the other, so that is called as a out of horizontal alignment. Similarly if the one lens appear to be farther forward or backward than the other they are said to be out of vertical alignment. Similarly अगर frame में हमने इस तरीके से fit किया है लेंसेस की एक लेंस आगे की तरफ है और एक लेंस पीछे की तरफ है, या एक लेंस इस आई का आगे की तरफ है और इस आई का पीछे की तरफ है, तो दैट इज काउजिंग आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज वन लेंस अप एंड वन लेंस वन फ्रेम पार्ट इज अप वन फ्रेम पार्ट इज डाउन. सो वो हॉरिजॉन्टल मिस अलाइनमेंट काउज करता है या आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. सिमिलरली वर्टिकल आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट इज वन लेंस इज पुश्ड बैक वन लेंस इज पुश्ड फॉरवर्ड इन द फ्रेम, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. सो हाउ टू चेक दिस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट, सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड फोर पॉइंट टच. सो फोर पॉइंट टच आपको बताता है कि लेंस का अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है. सो व्हाट वी डू, वी पुट अप स्केल. सो जैसे यहाँ इसका एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हो आप, सो यू वी पुट अ स्केल ऑन द फ्रेम एंड इफ द दिस इज द फोर पार्ट 1, 2, 3 and 4. अगर आप इसको देखो यहाँ तो, सो दिस पार्ट फ्रेम का टेम्परल पार्ट नेजल पार्ट, इसी तरीके से राइट आएगा, इसी तरीके से लेफ्ट आएगा टेम्परल. सो अगर ये फ्रेम के फोर पॉइंट्स एक स्केल को जब हम इस पे रखते हैं तो यूनिफॉर्मली टच करते हैं तो वी से दैट this lens is fulfilling the four point touch criteria, means this lens is in alignment, iske alignment mein koi issue nahi hai. Lekin agar hum isko jab rakhte hain and the lens is not touching all the part, so we will say out of alignment. So for example horizontal alignment ke liye kya dekhte ho, you put a scale and you see that this difference, this distance, ye hinge hai, hinge ke sath scale ka jo distance hai that should be uniform for both right and left. So this area, so that will tell you about the horizontal alignment. Agar ye distance uniform nahi hai, means the lens is not having uniform horizontal alignment, yeah this frame is out of horizontal alignment. Isi tarike se vertical alignment ke liye
we do this 4-point touch. We put a scale, and if this nasal temporal in the both eye is stretching at the 4-point of the scale uniformly, so that lens is called as having vertical alignment. If it is not touching, this is out of vertical alignment. So 4-point touch is a kind of very common test that we will commonly see in spectacle shops. So what are the causes of horizontal alignment? So one of the causes of horizontal alignment is that skewed bridge. Agar aapka bridge, agar is frame mein dekho, toh bridge ko skew hai. It is thoda sa distorted ho gaya. So that also causes out of horizontal alignment. Saath hi saath, there is another factor jisme hume lens ka ye टॉप आई वायर, ठीक है, ये इसमें अपस्वीप दिख रहा है, मतलब इट इज फोल्डेड अपसाइड. इफ यू लुक केयरफुली दिस पॉइंट एंड इफ यू कंपेयर फ्रॉम दिस एरिया, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है, इट देयर इज अ लिटिल अपस्वीप, सो दैट आल्सो काउज आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. ठीक है, सो वन काउज कुड बी दैट योर स्क्यूड ब्रिज, अदर इज द अपस्विंग ऑफ द अपर वायर ऑफ एनी राइट और लेफ्ट आई वायर ऑफ ए स्पेक्टिकल फ्रेम. सो अदर इज द काउज ऑफ वर्टिकल काउज ऑफ आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. तो सो नॉर्मली वर्टिकल अलाइनमेंट इज नोन एज ए 4-point टच, जो मैंने पहले बताया कि यू हैव टू पुट अ स्केल एंड इफ यू दिस 4 points both eye ka nasal and temporal are touching the scale at these specific points, 1 point nasal, 1 point temporal, 1 point nasal, 1 point is temporal in both eyes, so that is called 4. Agar ye 4-point touch nahi ho rahe, then we say this is out of vertical alignment. So 4-point touch is the theoretically the frame eye wire should touch at 4 points on the ruler. If you put a ruler on a frame at each place where the ruler crosses the eye wire, so this is the 4-point touch. So what causes out of vertical alignment? So one is that the negative phase form. So negative phase form kya hota hai, there is a phase form or wrap around. So kisi bhi spectacle mein, so for example agar ye diagram aapko dikh raha hai, so this is a negative phase form. So normally kisi bhi hum spectacle ko dekhte hain, so how it's curved, so normally a spectacle is curved this way. So ye jo frame ka part hai, ye wala area, specifically ye wala area dekho, it would be curved this way. Ye is area mein curved rehta hai. Let me change the color. So normally ये वाला आप area जब देखोगे तो it will be, आप किसी भी frame को जब side से देखोगे तो it will be curved inside. ये frame का जो temple है normally outside की तरफ नहीं होता है, या आप इस वाले area को देखो, so how it is a, so it is coming this way, थोड़ा outside की तरफ आ रहा है, so this is called negative phase form. Normally किसी भी frame में ये अंदर की तरफ होता है. So that is called wrap around your face form. So wrap around or face form is when the frame front is just slightly rounded to the form of the face. So normally किसी भी frame को हम इधर की तरफ tilt करते हैं, इस वाले area को specifically यहाँ से हम करते हैं, ताकि हमारा facial जो wrap around है, हमारे face के like our face का जो हमारे eye का distance है, अगर हमने यहाँ हमारी eye है, this area is having for example yahan humne apni eye ko place kiya hai, so ye eye ka jo frame se distance hai uniformly nahi hai, eye ka center mein distance alag hoga aur periphery mein distance alag hoga frame se, to iski wajah se frame ko hum wrap around dete hain, frame ko we give a little bit curve this way inside, that is called face form or wrap around. So normally most frames are constructed with at least a degree of face form. So, ज़्यादातर frame में इसको इस तरीके से curve पे बनाया जाता है.
negative phase form is one of the reason of out of vertical anatomy. So negative false phase form kab hua, jab aapka ye aap yahan jis tarike se is picture mein dekh rahe ho, frame inside ki taraf wrap around nahi hai, bahar ki taraf aa raha hai. So I think dikh raha hai ye, you people are able to understand what I mean to say. Sir, vertical ki baat hai. Ha ji. सर वर्टिकल मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट इस प्रैक्टिकल में? तो इससे पहले डेफिनेशन था ना वर्टिकल अलाइनमेंट. सर मतलब कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? यू हैव टू दिस फोर पॉइंट डच. इफ द फोर पॉइंट डच इज नॉट फुलफिलिंग मींस दिस इज आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. सो सिंपल टेस्ट इज द फोर पॉइंट डच. What I am trying to explain here is the wrap around. So ye frame ka, ye agar aap frame dekh rahe ho, to how it looks? It looks odd or it looks normal? Agar iska samne se aap dekh rahe ho, to what is, if it odd. Is looking, so what is odd here? Outside. So lens is curved outside, hai na? डायरेक्टली सेट के अगर हम लेंस को देखें तो इसको इस साइड इस तरीके से आउटसाइड को ये निकल रहा है. सो दैट इज नेगेटिव. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है सर. ब्रिज फॉल्ट वजह से सर कोई हम लोग का विजन प्रॉब्लम होगी सर? यस डेफिनेटली यू विल पेशेंट विल बी हैविंग विजन प्रॉब्लम. More than vision problem, the patient will be having discomfort because of this negative phase form. There is a lot of pressure on the patient nose because uniformly iska weight transfer nahi hoga. Second thing is that vertex distance will be increased at the periphery of the lens. That will again cause more peripheral aberrations. So that will cause all kind of spectacle intolerance symptoms in the patient. So that was all about the frame bridge fault. Now the second is the temple. Now we will discuss about the temples. What are the faults that we can see in the temples? So after horizontal and vertical pre-adjustments, so that's why it is very important कि जब भी हम किसी patient को frame दे रहे हैं, तो first we should check for this bridge alignment. So or whenever the patient is coming with the problem with their spectacle, so apart from checking the lens prescription, you should also check for these frame faults. So gloves ऐसे हर किसी को individual issue नहीं होगा, वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ ही होगा. हर कोई अपने अपने लेवल पे अपने दूसरे से उसको issue होता है. हाँ हाँ operating के साथ उसको बोलो कि तुम्हारे कोई issue कर रहा है कितना है वो उसको phone कर दो कोई issue कर रहा है देने के लिए मना नहीं है लेकिन उसको बोलो issue. अभी उसको बोलो कोई शुगर वाली अगर नहीं मिल जाए तो अपने पास फेस क्रीम है. कौन कौन सा डिपार्टमेंट कुछ हेलो. यस सर. यस सर. ओके सो तो हमें सिर्फ लेंस के फॉल्ट नहीं देखने, सो वी आल्सो हैव टू लुक फॉर दिस फ्रेम फॉल्ट्स और स्पेक्टिकल फॉल्ट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ब्रिज फॉल्ट्स. सो बेसिकली आपको वर्टिकल आउट ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट एंड आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यू कैन जस्ट सिंपली ऑब्जर्व बाय सीइंग दिस एरिया कि अगर ब्रिज स्क्यूड है, नॉट वेरी स्ट्रेट पैरेलल, और देर इज ए slightly different appearance of right eye wire with the left eye wire. Yeah, just a left eye wire is
having different appearance than the right eye wire frame का जो front का है, so that is causing your horizontal misalignment. Similarly, vertical misalignment check करने के लिए you just can do this 4-point touch test. Or if you are seeing there is a negative facial form, so that also could cause out of vertical alignment or misalignment. So second thing we will discuss about the temple faults. So after horizontal and vertical pre-adjustment have been made to the bridge and eye wire, the third area considered to intruding a frame is the temple area. So temple area may first thing you will see that open temple spread. Open temple spread means this area. So what is this open temple spread? The open temple spread is that angle that each open temple forms in relationship to the front of the frame. So if you carefully read this line, so the open temple spread is that angle. So it is basically an angle that each open temple, this is a open temple, frame ka khula hua temple, forms in relationship to the front of the frame. So यहाँ जो angle जो temple बना रहा है frame front के साथ, so this is called basically the open temple spread. So it is the normal condition of the temple to be opened out slightly further than a 90 degree angle. Usually 94 to 95 degree are acceptable. So normally if you see the angle here, so it is about 90 degree. So normally जब भी आप फ्रेम को ओपन करते हो एंड इफ यू सी द फ्रेम फ्रंट रिलेशन विद द टेंपल एंड इफ यू ऑब्जर्व द एंगल, नॉर्मली दिस एंगल वुड बी इफ द फ्रेम इज टेंपल इज फिटेड वेरी वेल एंड देयर इज नो मिस अलाइनमेंट, सो नॉर्मली दिस एंगल शुड बी 90 और मैक्सिमम कुड बी 90 to 95 डिग्री बिकॉज स्लाइटली आउटवर्ड रहता है. बट इफ दिस इज गोइंग क्वाइट आउटसाइड means you are seeing that it is not forming 90 degree or ye andar ki taraf kafi aa raha hai, so both way, so that means that your open temple spread is not proper. So that is again one fault that we see in the temple in the form of open temple spread angle. So what are the faults? So open temple spread angle ke form mein there is a two kind of faults. So what temple is spread too far. So for example hum is picture mein dekh sakte hain, so yahan temples kya hai bahut zyada phale hue hain. So here the angle, if you see this angle is not 90 degree, it is more than 90 degree. So 90 to 95 degree is acceptable, but here the temple is spread too far. And if the patient is wearing this kind of frame, the patient would not be comfortable. So temple flaring out more than 95 degree or spread too far for standard lighting. And similarly, the opposite kya ho sakta hai? Temples not spread enough. So iska matlab kya ho gaya? Your temple is like this. Is tarike se aapka temple hai. So what you are seeing this here, the angle is even less than 90 degree. Could be 80 degree, 85 degree. So this case is temple is not spread enough. So occasionally the temples are not spread enough after the lenses have been inserted and the bridge area is straightened. So normally kya hota hai, aap starting mein patient ko frame doge to the frame is very well aligned. Yeah, most of the time jab patient optical shop mein jab frame choose karta hai to us time frame is very well aligned. Jab lens ko fitting process ke through jata hai spectacle, jahan usme spectacle mein lenses fit kiya jata hai, then sometimes what happen during the fitting process, there are some misalignment in the bridge or there could be some misalignment in the frame, aur uske baad is tarike ka problems hame dekhne ko milta hai. So it is not necessary ki is tarike ka fault aapko company ki taraf se milega ki jo aapke paas frames se aa rahe hain. Normally when a company send a frame, so they already check for all these alignments. So most of the time this misalignment we'll see after fitting the lens in a frame. Sir, how these alignments are fixed? Matlab how we can correct these? So there is a lot of way of correcting these misalignments. So that is more related to lens fitting and
what we say, cutting, edging and fitting. So that is totally separate class. Both different techniques. So normally those things are done by the fitters, jo hamare hote hain optician and fitters. So you can just point out them, these are the problem we are seeing in the frame and please adjust these things. So ye ek cheez hai, aap fitter ko bol sakte ho, and they are trained to align this kind of misalignments. But first thing you should able to identify, kaise karenge? So you can go and read the Borish. They have, for each misalignment there are 5-6 techniques. So aapke syllabus mein bhi nahi hai, not also the part of your course. Agar uske bare mein aap zyada janna chahte ho, to you can read there. Third, jo hamara temple mein hamara fault jo ho raha hai, that is parallelism. Temple parallel hai ya nahi? So first fault humne dekha tha, temple is not spread enough, temple is spread too less. The third is the temple parallelism. So for frames to be standard alignment, the temples need to be parallel to one other. Ab yahan kya hai ki these temples need to be parallel to one another. I mean, these two temples are need to be parallel with one another. So one temple should not be angled down more than the other. Then similarly, the same thing is that one temple is going inside, one temple is going outside, means again it is not parallel. So that is the meaning. So how can we check? So the angle here we are talking about, like yahan jo term likha hua hai, in frames to be a standard alignment, the temples need to be parallel to one other. One temple should not be angled down more than the other. So yeah, angle down ka matlab kya hai? So the angle spoken of there is often called a pantoscopic angle. So one of the way you can ensure that the temple is in parallel with each other. So if you see this temple or yahan is the corresponding temple, they are parallel to each other. Ab parallel dekho to you can see that angles they are forming. So ek angle yahan ban raha hai and this is the corresponding angle bana raha hai. Aur ye angle kiske relation mein bana rahe hai? These angles they are making in relationship with frame front. So so that angle is called as a pantoscopic angle. So pantoscopic angle kya hota hai? Anyone? Although it is written there. Angle between frame front and temple. So it is basically angle between this frame front and this temple. So then the pantoscopic angle. So this angle should be equal in both right and left part of the spectacle. So if both angles are equal, so then you can say that the temples are parallel to each other. So the angle is spoken of there here is often called a pantoscopic angle. Pantoscopic angle refers to the angle formed between the frontal plane of the face. This is the frontal plane of the face. Sorry, matlab jo technically hum pantoscopic kehte hain, so when a frame, jab ek bar frame apne face par lagate hain, so hamara face ka jo frontal plane hai aur plane of the frame front ka plane aur sath hi sath hamare face ka jo plane hai uske sath jo angle banate hain usko hum pantoscopic angle kehte hain. Technically, clinically, jo hum OPD mein kehte hain, टेक्निकल पेंटास्कोपिक एंगल हम डिस्पेंसिंग के टर्म्स में बोलते हैं कि जब फ्रेम का जो ये टेम्पल है वो फ्रेम फ्रंट के साथ जो एंगल बना रहा है. ठीक है, क्लिनिकली पेंटास्कोपिक एंगल हो जाता है आपका हमारे फेस का जो फ्रंट प्लेन है और टेम्पल का फ्रंट प्लेन है. सो यहाँ जो एंगल बनाया है दैट इज क्लिनिकल पेंटास्कोपिक एंगल और टेक्निकल पेंटास्कोपिक एंगल. क्या है ये? टेक्निकल. So this is technical. Clinical, in clinical we compare with our face ka frontal form ke sath ye frame ka frontal front ke plane kya bana raha hai. So a proper pantoscopic angle face ke front face ke frontal plane aur frame ke frontal plane se jo angle banega usko hum pantoscopic tilt bhi bol sakte hai na. Haan, both are same, tilt and angle is same, angle is tilted. So both are same term, दोनों का हम interchangeably use करते रहते हैं.
So that is again good point. Both are same thing. So a normal pentascopic angle may vary from 4 degree to 18 degree. So your pentascopic angle can be very less to 4 degree and can range. So it is a very wide range. So normally pentascopic angle 4 to 18 degree tak may be aap dekh sakte ho. Normally in the clinical we say that 11 to 12 degree pentascopic angle or pentascopic tilt is what normally commonly found in the spectacle. So how can you see? Normally aap clinics mein to measure nahi kar sakte pentascopic angle. So the easiest way to see this thing only. So just observe the frame front or ye jo temple ke beech mein, there should be not any gap. So for example, aap is picture ko dekho and now you see this picture. So we are seeing there is a gap here. Dikh raha hai? Here we are not seeing any gap. So dikh raha hai? So if you are seeing this kind of gap in the frame front and the temple, so again means the temples are not parallel. So temple parallelism is absent. So what you have to do, you have to make adjustment for that. Ab isko bend kar sakte ho. There is a multiple way. So there is a one term called as a retroscopic angle. So pentascopic angle when there is a bend inside, retroscopic angle when there is a bend outside. So agar isi tarike se jaise isme dekho to ye inside ki taraf bend hai, यहाँ देखे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है फ्रेम फ्रंट. सो दैट इज अ रेट्रोस्कोपिक एंगल. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहां हम रेट्रोस्कोपिक एंगल या रेट्रोस्कोपिक टिल्ट देते हैं फ्रेम फ्रंट में, बट दोज आर द वेरी रेयर केसेस इन स्पेशल सिचुएशंस. सो हियर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंपल पैरेललिज्म. Sir, there is something called as vertex angle also. Vertex angle, vertex distance. Sir, in first internal assessment, we get a question on vertex angle. So we didn't find that. I have also not read about anything vertex angle. Vertex distance we normally consider. So second is the so how can you check the, so one of the ways that you observe this area jahan frame or front or temple meet kar rahe, there should be not any gap. If there is a gap means there is a problem with temple parallelism. The another way of doing is that is a test called flat surface touch test. So what we do, we put a frame upside down is tarike mein jis tarike se likha hua on a very flat surface. So normally kya hona chahiye, if the both temples are parallel, so this point, this area, so each temple two points, this area and this area, similarly this area and this area, all should be uniformly touch the surface. So kaise aap check kar sakte ho, just press any one side. जैसे यहाँ पिक्चर में दे रखा है, फिंगर से हमने वन टेम्पल को प्रेस किया है, अगर ये यूनिफॉर्मली टच नहीं होगा तो दूसरे साइड से ये वॉबल अप हो जाएगा, मतलब उठना शुरू कर देगा. सो आपने एक साइड टच किया, दूसरे साइड से फ्रेम ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रहा है, मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन टेंपल पैरेललिज्म. सो दिस इज व्हाट रिटन हियर, पोजीशन ऑफ द ग्लासेस अपसाइड डाउन ऑन अ फ्लैट सरफेस विद द टेंपल्स ओपन. देन नोट इफ बोथ टेंपल्स सिट फ्लैट और इफ वन टेंपल इज नॉट टचिंग द फ्लैट सरफेस. If it is difficult to tell, first touch one temple and then the other to see if the frame wobbles back and forth or it sits solidly. Okay, so this is called flat surface touch. And why we do flat surface touch? So why we do flat surface touch? So to check whether the temples are parallel to each other or not. Yes. Temple parallelism. So again, what is wrong in this both diagram? Or what is wrong in any one diagram? The gap. So which one is having proper alignment and which is not? The first one is proper alignment. So this is not having proper alignment. Why we are seeing there is a gap?
दिस एरिया जहाँ टेम्पल का एंड और फ्रेम का फ्रेम फ्रंट का एंड मीट कर रहे हैं, सो देयर इज अ गैप. सो अगेन दिस टेम्पल इज नॉट पैरेलल. फोर्थ इज द टेम्पल फोल्ड एंगल. सो अभी भी हम टेम्पल्स फोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द फोर्थ इज द टेम्पल फोल्ड एंगल. सो दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिकली कम्स अंडर टेम्पल फोल्ड. टेम्पल फोल्ड के अंदर नहीं आता. दिस इज अ सेपरेट एंटिटी जिसमें हम कहते हैं टेम्पल फोल्ड एंगल. सो टेम्पल फोल्ड एंगल इज क्या है कि जब आप टेम्पल को फोल्ड करते हो, व्हेन यू आर फोल्डिंग द टेम्पल्स, like in this picture what you are seeing in the folding, jab humne temple ko fold kiya hai, jaise jab hum frame ko uske box mein rakhte hain tab hum usko fold karte hain. So what is happening at the time of fold, that is called temple fold angle. सर टेम्पल फोल्ड्स मतलब ये सब तो हम लोग को ऑप्टिकल से ठीक ही मिलता है ना सर. सर ये तो मतलब जब घर आ जाते हैं जो यूज करते हैं सर, उसके बाद ये सब होता है मतलब. कभी कभी ऑप्टिकल्स में भी हो सकता है. मैंने यही तो बताया कि फ्रेम फिटिंग्स के टाइम में कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है. जब फ्रेम के अंदर आप लेंस फिट करते हो तो समटाइम्स दिस प्रॉब्लम्स हैपन और पेशेंट बाद में कंप्लेंट्स लेके आते हैं फ्रेम के साथ. सो वी नॉर्मली से दैट फ्रेम के साथ जब कंप्लेंट लेके आते हैं तो वी थिंक दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लेंसेस स्पेक्टिकल के. लेकिन लेंसेस की प्रॉब्लम्स लाइक अबाउट 60-70% टाइम्स देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन द लेंसेस. मतलब उनका पावर वाइज देयर इज अ डिस्पेंसिंग प्रॉब्लम. ये फ्रेम का जो पूरा अलाइनमेंट है दैट इज नॉट गुड. तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है. सर अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर के लिए तो सर अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर में भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो नॉट ओनली विजन वाइज कंफर्ट, अगर ये सारी चीजें यूनिफॉर्म नहीं है तो कंफर्ट वाइज भी पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंफर्ट. ठीक है, इन द फ्रेम्स फॉर एग्जांपल ये टेम्पल्स बहुत ज़्यादा पैरेलल नहीं है. वन टेम्पल इज अप वन टेम्पल इज डाउन. तो एक ईयर पर लेंस का फ्रेम का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, एक दूसरे ईयर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा. सो वन ईयर बिकम्स अनकम्फर्टेबल. सिमिलरली आपका ये ब्रिज टिल्टेड है तो एक ब्रिज पर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, दूसरे ब्रिज पर फोर्स कम पड़ेगा. सो फिर वो प्रॉब्लम करेगा. सो ये सारी चीजें पेशेंट के कंफर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं. इसलिए बहुत बार होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हम जब ग्लासेस देते हैं और उनको हम पेशेंट फ्रेम चूज करता है तो जब वो नया फ्रेम देता है तो फिर वो कहने लगता है कि इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा पुराना फ्रेम ही अच्छा था. हेलो. यस सर. ठीक है, सो वी विल क्विकली फिनिश दिस टेम्पल फोल्ड एंगल और इसके बाद इसी को स्टॉप करें. सो द थर्ड और द लास्ट जो टेम्पल पार्ट में दिस इज द टेम्पल फोल्ड एंगल. सो द फाइनल अलाइनमेंट स्टेप इज टू फोल्ड द टेम्पल्स. सो आपने पहले नोज ब्रिज का अलाइनमेंट चेक कर लिया, देन आई वायर का अलाइनमेंट चेक कर लिया, देन यू हैव चेक अलाइनमेंट विद द टेम्पल्स.
उसके बाद जो आपको दूसरा अलाइनमेंट चेक करना है, यू हैव टू चेक द अलाइनमेंट फॉर द टेम्पल फोल्ड. मतलब टेम्पल फोल्ड करने के बाद कैसा दिखता है. सो दैट इज बेसिकली मीनिंग द टेम्पल फोल्ड एंगल. सो द टेम्पल शुड फोल्ड सो दैट दे आर पैरेलल टू वन अनदर. सो टेम्पल इस तरीके से फोल्ड होने चाहिए, दे शुड बी पैरेलल टू वन अनदर. सो इफ यू आर सीइंग हियर, सो दिस टेम्पल और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्पल्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर इन द सेंटर और पेरिफेरी में थोड़ा सा एंगल बना रहे. सो दिस इज वेरी वेल अलाइंड. ठीक है, सो पैरेलल टू ईच अदर मीन्स दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, स्पेशली जहां वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो बहुत बार आप टेम्पल को फोल्ड करोगे तो एक टेम्पल बहुत आगे को जा रहा होता है, एक पीछे को जा रहा होता है, बहुत सारे फ्रेम्स में मिलेगा. और जो लोग चश्मा यूज कर रहे हैं दे नो दिस प्रॉब्लम वेरी वेल. इस प्रॉब्लम के साथ क्या होता है, सो दे आर पैरेलल टू वन अदर और फ्रॉम स्लाइट एंगल्स फ्रॉम पैरेलल. सो या तो दूसरे के एक दूसरे के पैरेलल हो या दे शुड मेक अ वेरी स्लाइट एंगल. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंगल्स देखो तो इस एरिया में ये बिल्कुल पैरेलल है और यहाँ थोड़े से एंगल्स बना रहे, बट दिस एंगल शुड नॉट बी वेरी लार्ज. मतलब ये नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए कि एक बिल्कुल इधर को जा रहा है और दूसरा टेम्पल इधर को जा रहा है. So there the angle is very large. Hello? एक मिनट. Forms are already out. Have you checked on the website? No, madam. When the last time you have checked? Okay, just check once. We have all the recent updates we have today in the website. Please check once, and if still there is some confusion, then you can call me. Everything is written there. Just please check once. Hello. Yes, sir. So proper adjustment to this configuration is important. So it is a proper configuration of this alignment permits the spectacles to easily fit into a standard case of a glasses. So if this is a very proper, so there would be no problem in putting the spectacles in their case, जो उनके बॉक्स होते. सो दैट्स वे दिस अलाइनमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो देयर इज अनदर पिक्चर जहां आप देख रहे हो. सो यू आर सीइंग दिस इज अ टोटली मिस अलाइंड टेम्पल फोल्ड. सो यहां देख रहे हो दिस बोथ टेम्पल्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज फोल्डिंग वेरी वेल बट दिस इज गोइंग वेरी आउटवर्ड्स एंड देयर इज अ लॉट, देयर इज अ बिग एंगल बिटवीन दिस. So this temple fold angle is a very large. So यहाँ picture में दिखा जा रहा है कि they are doing alignment for this by adjusting this area of the temple. So this is one thing you have to see. So the last part we'll discuss about the nose pads, जो हम कल की class में discuss करेंगे. Nose pad is a separate entity. We have not discussed till now nose pad because अभी तक जो भी हमने discuss किया ये plastic frames के बारे में था और जो कि kind of constant, ये जितना भी misalignment था it is a constant for both plastic and metal frame. But metal frame में there is a one more thing that we have to look for, the nose pad alignment. Why we are not discussing in the plastic frame? Because in the plastic frame nose pads are a kind of fix. ये इधर उधर deviate नहीं होते, it is a fixed. But metal frame में nose pad fix नहीं होते. So we also, if the frame is a metal, we also have to check for the nose pad alignment, जो कि हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे. So any questions? सर टेंपल और हम तो ब्रिज वाले से टेंपल वाले भी कंसीडर करना है, वो मेटल वाला भी कंसीडर करना है, यही वाला.
मतलब तो मतलब हम लोगों ने ब्रिज फॉल्ट और टेंपल फॉल्ट ये प्लास्टिक पड़े हैं, मतलब प्लास्टिक मटेरियल के पड़े हैं सर, तो मेटल वाले में भी यही कंसीडर करना है हम लोग को? हाँ मेटल में भी यही सेम है, ये जितने भी जो अभी तक हमने पढ़े। ठीक है सर। ओके फाइन, सो आई डोंट थिंक एनीवन हैविंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा सर। हेलो सर। हाँ जी सर, रैप एंगल और पेंटास्कोपिक एंगल ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना? दोनों डिफरेंट होते हैं। रैप एंगल नहीं कहते हैं उसको, हम रैप अराउंड कहते हैं या फेस फॉर्म कहते हैं। फेस फॉर्म एंगल, फेस फॉर्म का मतलब क्या है, अगर किसी भी फ्रेम को बिल्कुल उसके टेम्पल वाले जो टेम्परल वाले पॉइंट पे देखोगे तो वो थोड़े से कर्व होते हैं, अंदर की तरफ कर्व होते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस है, अगर आप हमारे फेस को देखोगे So, स्क्रीन दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा है? No, sir. क्या दिख रहा है? आपका इमेज दिख रहा है। ओके अच्छा, मैंने शेयर स्टॉप कर दिया। So, अगर ये हमारा फेस देखोगे तो आप स्पेक्टिकल लगाते हो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फिट होता है ना, लाइक दिस। तो फेस का ये वाला पार्ट का फ्रेम से डिफरेंट डिस्टेंस अलग होता है, और टेम्परल वाले पार्ट का इस वाले एरिया से फ्रेम के डिस्टेंस अलग होता है। सो दिस डिस्टेंसेज आर डिफरेंट, सेंटर में वो डिस्टेंसेज सबसे कम होते हैं और पेरीफेरी में फ्रेम और आई का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम टेम्परल साइड में क्या करते हैं, फ्रेम को कर्व देते हैं, अंदर की तरफ बेंट करते हैं, उसको हम रैप अराउंड कहते हैं या फेशियल फॉर्म कहते हैं। और पेंटास्कोपिक एंगल दूसरा होता है, वो तो फ्रेम फ्रंट को आप कितना टिल्ट कर रहे हो अंदर के साइड, जी क्या बोल रहे हो सर? मतलब सर ने पूछा था एक बार रैप एंगल, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि रैप फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था, रैप एंगल क्या होता है? डिफरेंट नेम बेसिकली वही होता है, दैट वी आल्सो कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। आप उसको एक्चुअली बेंड कर रहे हो ना, तो वो एंगल आप मेजर कर सकते हो। सो ये बहुत ही वाइडली वेरी करता है एंगल्स इसका। So, कुछ में एंगल्स कुड बी वेरी लार्ज, जैसे आपका वो होता है गॉगल्स होते हैं, तो कुछ गॉगल्स इस तरीके से होते हैं, आप आईज पे लगाओगे तो पूरे इधर से भी बेंट होते हैं और आपको ये पूरा फिट करते हैं। कुछ गॉगल्स स्पेक्टिकल की तरह होते हैं, लेकिन कुछ जैसे स्विमिंग गॉगल्स होते हैं वो पूरा कवर होता है, यहाँ की तरफ जाके पूरा कर्व हो जाता है, तो उसमें फेशियल रैप या रैप एंगल बहुत ज्यादा होता है। So, those are same thing. Sir, is there any standard amount of facial wrap which is given to a frame front, like in pantoscopic tilt, 8 degree to 10 degree the angle is given to a frame? So is there is any... Sir, is there any standard amount of facial wrap which is given to a face form or facial face form? Because in pantoscopic angle there is a specific amount, like 8 degree to 10 degree is given to a face form. So is there is any standard? Standard is like 10 to 15 degree. यहाँ भी है वो, like सारे फ्रेम्स में नॉर्मली 10 टू 15 डिग्री फेशियल फॉर्म्स होते हैं या फेशियल रैप होता है, बिकॉज इट इज़ अ कंपल्सरली। क्यों मैंने बताया कंपल्सरी है, बिकॉज योर वर्टेक्स, अगर आप फेशियल रैप नहीं दोगे तो
वो व्हाट इज डिस्टेंस यहां पेरिफेरी में डिफरेंस हो जाएगा. सो उसको कंपेंसेट करने के लिए अराउंड 10 टू 15 डिग्री फेशियल रैप इज वेरी कॉमन. लेकिन सनग्लासेस में वो बहुत ज्यादा हो जाता है. इट कैन गोज अप टू 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ तरीके के सनग्लासेस सन गॉगल्स में. बट नॉर्मली स्पेक्टिकल में इट रेंजेस बिटवीन 10 टू 15 डिग्री ऑल. थैंक यू सर. ठीक है. सो वी विल जॉइन फॉर द कॉन्टैक्ट लेंस क्लासेस एट 12:00. ओके.